العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق خالق مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام باب مل کر درود و سلام پڑھنا ہے صلاۃ و سلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدنا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا बच्चों आप लोग पीछे आ जाओ, आप लोग पीछे आ जाओ, आ जाओ पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं, पीछे हो जाओ, कुछ नहीं शाहों से ये शहदा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی آقا یا رسول اللہ دستگیری साथ न होता तेरा मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा कुछ नहीं पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा करम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आका या रसूल या
झुक झुक क्या बात है देता है सहारा तेरा हाशिम भाई औलाद की खासकर जवान जवान बेटे की मौत जो है वो कमर तोड़ के रख देती है लेकिन तेरे मेरे गुलामों के लिए झुकने नहीं देता है सहारा तेरा मुझको झुकने नहीं देता है सहारा शेर काबिले तवज्जो शेर है मेरी आंखों से जो ढूंढे तुझे हर सू देखे मेरी आंखों खलबत में जो करते हैं नजारा तेरा सिर्फ खलबत में जो करते हैं नजारा फलस्तीन को आका या रसूल अल्लाह एक बार बतहा से फलस्तीन को आ तेरा रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा कुछ नहीं मांगता सुना दे सुभान अल्लाह
एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान भी प्यारे
तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशादे अहिबा ना तिक था ना चार पड़ा इस राह जाना लम्याती नजीरों का फी नजर मिसले तो मशहूर पैदा जाना सामिन ज़ुल इहतराम वाले तो शाम सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक की पाक कलाम की तिलावत हुजूर सरवरे दो आलम नूर मुजस्सम कायदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह मुकद्दसा में हदिया अकीदत पेश करने के बाद सबसे पहले मैं मुल्ला हाशमी साहब और उनके तमाम जितने साहबजादगान हैं इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम अहल खाना को सबर जमील अता फरमाए। ये चंद अल्फाज ऐसे होते हैं जो बेकीमत हो जाते हैं कुछ मौक़ों पर कि हम जितना भी कहें कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं नहीं हो सकता। इन अल्फाज के अंदर वो क़ुव्वत नहीं है जिनके साथ मैं आप अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत कर सकूं। अल्लाह अपने हबीब का सदका आप सबको सब्र जमील अता फरमाए, खुसूसन एक बाप के लिए बेटे का जो है सदमा ये नाकाबिल बर्दाश्त है। माँ बाप के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, जिन्होंने बचपन से गोद से और फिर परवान चढ़ाया हो, और आप माशाल्लाह बाकी भी साहबजदगान हैं लेकिन मोहम्मद अली के साथ ज़रा एक ख़ास उल्फत थी, प्यार था, बड़ी मोहब्बत वाला बच्चा था और नेक सीरत। मैं आप रास्ते में भी आते हुए मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने औलाद सबको दी है लेकिन ताबेदार किसी किसी की। आपकी इस उम्र में भी आपके सामने आंखें न उठाना, सर झुका के बात करना, ये आपकी औलाद का खासा है। ये ख़ास तौर पर आपके साहबजादों के लिए मैं हदीए तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको अपने भाई का सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। बचपन जिसका साथ गुजरा हो फिर वो एक दफ़ा चला दोस्त चला जाए तो फिर यार तकलीफ़ नहीं बंदा जो बर्दाश्त कर सकता, फिर ये भाई हो और फिर सारा बचपन भी साथ गुजरा हो। अल्लाह ताला आपको आपके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। नेक सीरत बच्चा था और जाने से पहले अपने हाथ से अल्लाह की राह में सदका खैरात भी करके गया, तो यूँ समझे कि वो अपने अगले मकाम के लिए अपना खुद ज़ादे राह बना के चला गया है। अल्लाह ताला उसकी जन्नत में रूह को आला से आला मकाम अता फरमाए। मैंने अल्लाह के पाक कलाम से तिलावत करने का जो शरफ़ हासिल किया है उसी मौजू पर उसी आयत के ज़िमन में कुरान हदीस से मैं चंद हवाले पेश करके हम अपने बात को समेटेंगे। इस कायनात आलम में बाबा जो मकसद कायनात है, रूह कायनात है, बाइस तख्लीक कायनात है, वो एक ज़ात है जिसको आपके मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूल। और ये मेरा नज़रिया या मेरा अकीदा नहीं है, ये खुद जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान हमें बता रहा है और फिर उसकी तफसीर जो की है वो सहाबा ने की है। मैं अगर कहूँ कि ये मेरा नज़रिया है, मेरी बात है, ये बिल्कुल गलत है, मैं कौन होता हूँ 1400 साल बाद मुंह उठा के बात करने वाला। बात हमें बताएंगे या अल्लाह के हबीब बताएंगे, ये सहाबा कराम बताएंगे और उन्हीं की बात काबिल एतबार है, उन्हीं की बात काबिल दलील है। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, खालिक कायनात ने हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला आपने सवाल किया या रसूलुल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? सबसे पहले फरमाया इन्नल्लाहा खलका कबल अशिया नूर नबी की का, ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तमाम चीज़ों से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। उसकी शान के लायक, उसकी शान अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, तो ज़मीन व आसमानों का नूर, एक मुट्ठी नूर लिया और फिर ऐसे बुलंद करके फरमाया मोहम्मद हो जा, वो नूर मोहम्मद हो गया और हजारों लाखों बरस जब तक उसकी मंशा थी उसने उसकी तौहीद बयान की।
बाबा तौहीद आप भी बयान करते हैं, तौहीद हम भी बयान करते हैं, हमारा और आपका तौहीद बयान करना अल्लाह कबूल करे न करे, हमें उम्मीद है, हम रहमत की उम्मीद रखते हैं कि हमारी बारगाह से जो ये छोटा मोटा हम करते हैं अल्लाह कबूल फरमा ले, लेकिन अगर मकबूल हुई है तो तेरे मेरे सोने नबी की तौहीद मकबूल हुई। फिर अल्लाह ने उस नूर से इस कायनात आलम की तमाम बज़्म कायनात को तख्लीक फरमाया, ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को फलक बनाया, बनाने के बाद उसी नूर से अल्लाह ने लौह और कलम को बनाया। कलम को बनाने के बाद अब हदीस पाक में ये भी आता है अव्वल मा खलकल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। फिर ये भी आता है कि अव्वल मा खलकल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया, कभी लौह को पैदा किया कभी कलम को पैदा, सारी चीजें बाद में आई, तेरे नबी का नूर सबसे पहले जला। और इसकी दलील क्या है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया, ए कलम लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। कलम ने अर्ज की, पाक परवरदिगार आलम मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं भाई, अगर सबसे पहले कलम आया तो पहले क्या लिखवाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी तखलीक से पहले कुछ हो चुका है, और वो क्या हो चुका है वो आप भी जान चुके हैं, वो मैं भी जान चुका हूं। अल्लाह ने अपने महबूब का नूर पैदा फरमाया, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने हुक्म से कलम को फरमाया, ए कलम तहरीर कर। अर्ज की, पाक परवरदिगार आलम क्या तहरीर करूं, फरमाया तहरीर कर मैं आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानियत का बाप बनाकर दुनिया में भेजूंगा और उनको उम्मत भी अता करूंगा, जो उनकी उम्मत के अंदर से नेक अमल करेगा उसको जन्नत अता करूंगा, जो बुरे अमल करेगा उसको जहन्नम में दाखिल करूंगा। कलम ने इस बात को लिख दिया, फिर फरमाया कलम लिख, अर्ज की मौला क्या लिखूं, फरमाया मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा करूंगा, उनको मकाम खिल्लत पर महमूद पर फायज करूंगा, और उनकी उम्मत जो नेक अमल करेगी जन्नत में दाखिल करूंगा, जो बुरे अमल करेगी जहन्नम में उनको दाखिल करूंगा। ए कलम लिख मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करूंगा, उम्मत भी दूंगा किताब भी दूंगा, और उनकी उम्मत में जो नेक अमल करेगा उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो बुरे अमल करेगा जहन्नम में जाएगा। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करूंगा, उनको मैं किताब भी दूंगा उम्मत भी दूंगा, उनकी नेक उम्मत को जन्नत में दाखिल करूंगा, और बुरी उम्मत को जो बुरे अमाल करेंगे उसको जहन्नम में दाखिल करूंगा। ऐ कलम लिख मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैदा करूंगा, नबुव्वत से सरफराज करूंगा, किताब से सरफराज करूंगा, उम्मत से सरफराज करूंगा, नेक अमल करने वालों को जन्नत अता करूंगा, बुरे अमल करने वालों को जहन्नम में दाखिल करूंगा। ऐ कलम लिख मैं अपने इस कायनात के सदर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करूंगा, मकाम महमूदियत पर मैं उनको फाइज करूंगा, मकाम महमूद भी अता करूंगा, किताब भी अता करूंगा, उम्मत भी अता करूंगा। ऐ पाक परवरदिगार आलम क्या लिखूं, फरमाया लिख नेक लोगों को मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। कलम ने अपनी साबका रिवायत के मुताबिक जब ये लिखना चाहा बुरे अमल वालों को जहन्नम में दाखिल करूंगा, उस कादिर व कदीर रब ने अपना जलाल दिखाया, जैसे ही कलम के ऊपर जलाल पड़ा, आज भी जब कातिब लिखता है कलम के अंदर कत डाल देता है, कलम दरमियान से चीरा गया, फौरन वहीं पर रुक गया। अर्ज की मौला माफी मांगू, माफी चाहूं परवरदिगार आलम, फिर बता मैं क्या लिखूं, सब नबियों की उम्मत के लिए यही कानून चला आ रहा है, जो नेक अमल करेगा जन्नत में दाखिल करूंगा, जो बुरा अमल करेगा जहन्नम में उसको डालूंगा। मौला बात तेरे हबीब की उम्मत की है, मौला ये तो लिख दिया जो जन्नत में जो नेक अमल करेगा जन्नत में दाखिल करूंगा, मौला आगा क्या लिखूं, फरमाया लिखना है तो इस तरह लिख, अगर मेरे महबूब की उम्मत गुनाहगार है तो मैं बख्शरहार गफूर रहीम हूं। कलम लिख फैसला अजल से हो चुका है, भाई अगर गुनाहगार है तो यहां पर बख्शरहार भी है। उसने अपना तारुफ सबसे पहले करवाया
تو الحمدللہ رب العالمین کر کے کروایا, فرمایا اس کے کہنے سے پہلے کہہ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان اللہ غفور الرحیم. یہ امت گناہگار ہے تو کیا ہوا, رب بھی تو بخشنہار ہے. بھائی قانون ہی بدل دیے گئے, قانون ہی بدل دیے گئے. ایک ہی قانون چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک, وہ یہودی کیا, وہ عیسائی کیا, وہ داؤد علیہ السلام کی امت کیا, وہ شیس علیہ السلام کی امت کیا, وہ آدم علیہ السلام کی ساری امتوں کے لیے ایک قانون ہے. لیکن فرمایا محبوب یہ بات تو عام نہیں ہے نا, یہ تیری میری محبوب حب کی بات ہے, پیار کی بات ہے. محبوب میں تیرا عاشق, تو میرا محبوب سونیا, تیری امت کو تو ہم ایسے جہنم نہیں جانے دیں گے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو خالق کائنات نے کس وقت پیدا کیا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی کی نا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو رب کریم نے جب تخلیق فرمایا, مٹی اور گارے کے بعد بنانے کے بعد جب بت بنا کے اس کے اندر روح پھونکا, جیسے ہی روح کے اندر آیا, جسم کے اندر آیا, ایسے سر پر آسمان پر اپنی آنکھوں کو اٹھایا, فوراً دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم ابھی پیدا ہو رہے ہیں, روح ابھی آ رہی ہے, لیکن آسمانوں پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے عرش پر اس کے محبوب, اس کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اور اسی لیے اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طہٰ وہی یاسین. او بابا حضرت آدم علیہ السلام اسی وقت پہچان گئے کہ یہ کوئی عام نام نہیں ہے. پھر جب شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور وہ اجتہادی خطا ان سے سردد ہوئی, تو اب 350 سال رونے کے بعد یاد آیا عرش پر ایک نام ایسا بھی ہے جو اللہ کو بڑا پیارا محبوب ہے, تو عرض کی پاک پروردگار عالم تجھے اسی نام کا واسطہ, پروردگار عالم میری خطا کو معاف فرما دے. رب کریم نے فرمایا اے پیارے آدم تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہ نام ہے جس نام کا وسیلہ دینے سے میں کسی دعا کو رد نہیں کرتا؟ عرض کی پروردگار عالم جب تو نے مجھے پیدا فرمایا, میں نے جب سب سے پہلی نگاہ ڈالی تو تیرے محبوب کے نام پر گئی, مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا یہ وہ نام ہے جس نام کے صدقے اللہ ساری کائنات کی بھلائی فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرت جی کسی عاشق نے بڑے خوب انداز میں کہا, کہا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ کٹ مروں جب تک کھا جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. او بابا اگر آدم علیہ السلام کی توبہ تیرے نبی کے نام سے قبول ہو سکتی ہے تو بابا پھر یاد رکھ تیری ہر عبادت اسی نام کے صدقے قبول ہوگی. آپ مجھے بتائیے جب آپ اذان دیتے ہیں کیا اذان کے اندر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام نہیں رکھا؟ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کے اندر اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کا نام نہیں رکھا؟ جب آپ تکبیر کہتے ہیں تکبیر میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ سرکار کا نام نہیں ہے؟ کیا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جہاں پر آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں وہاں پر آپ اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھتے؟ نماز میں جنازے میں جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. او بابا آپ کا کلمہ ہو, آپ کی اذان ہو, آپ کی نماز ہو, آپ کا جنازہ ہو, آپ کا جنازہ ہو,
जब भी अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम रखा है, और यार सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं। कब्र के अंदर जब बंदा जाता है, अल्लाह पहला अपना सवाल करता है, उसके बाद फिर हुजूर के बारे में सवाल किया जाता है, कब्र में भी, कब्र में भी, और हशर में तो फिर बस बात ही खत्म हो गई ना। फकत इतना सबब है इनकाद बजे में महशर का, कि उनके शान महबूबी दिखाई जानी है। ओ बाबा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त ही हुजूर का नाम लेते हैं। हम तो ये देखो ना जी, ये महीना हो, कोई भी महीना हो, हर मकाम पर हम यही कहते हैं, ईद नबवी का जमाना गया, मिलके पढ़िए, ईद नबवी का जमाना गया, ईद नबवी का जमाना, बच्चों शाबाश, मिलके पढ़ो, ईद नबवी का की शान और अजमत का आलम क्या है। आइए, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अल्लाह की मंशा में था ये नस्ल आगे बढ़े, अम्मा हव्वा को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम जब अम्मा हव्वा के करीब जाने लगे, फरमाया नाना ऐसा कुर्ब नहीं होगा, बल्कि निकाह से ये कुर्ब किया जाएगा। अर्ज की मौला करीम, निकाह कैसे किया जाए? निकाह के लिए तो हक मेहर जरूरी है, बगैर हक मेहर के तो निकाह जायज नहीं। मौला करीम ने फरमाया, फिर इस तरह करो प्यारे आदम, और 10 मरतबा मेरे नबी पे दुरूद पढ़ दो, तुम्हारा हक मेहर अदा हो जाएगा। आदम अलैहि सलाम का हक मेहर क्या था? तेरे मेरे सोने नबी पे दुरूद पाक पढ़ना। तो हम जितने भी आदम अलैहि सलाम की नस्ल पाक में आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम उस माँ के बच्चे हैं जिस माँ का हक मेहर मेरे नबी पे दुरूद पढ़ना था। अब उसी माँ की सुन्नत को कायम रखते हुए हर वक्त मेरी बच्चियों की, मेरी माओं की, मेरी बहनों की जुबानों पर अल्लाह के हबीब का दुरूद ही रहता है। बंदे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर हकदार ये हैं कि हर वक्त उस सोने का दुरूद पढ़ते रहें। मौला करीम ने जब नूरे नबुवत उनके अंदर दाखिल फरमाया, हजरत ईसा अलैहि सलाम आपके अंदर जब नूरे नबवी मुंतकिल हुआ, नूरे नबवी ऐसे ही मुंतकिल नहीं कर दिया गया, फरिश्तों को बुलाया, तमाम करोबीन को बुलाया, मुकर्रबीन को बुलाया, यहां पर इकट्ठे हो जाओ, आज एक निजाम चलाने लगा हूं। तमाम के तमाम इकट्ठे हो गए। मौला क्या फरमाया? आज नूरे नबी आदम से शीश के अंदर मुंतकिल होगा, तमाम के तमाम गवाह हो जाओ, इस नूर को कहीं गलत जगह पे ना रखना, हमेशा निकाह के साथ पाक सुल्ब से पाक सुल्ब में मुंतकिल करते चले जाना। तमाम के साथ मुआयदा हो गया। तमाम मुआयदे के बाद वो नूरे नबी चलता 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 मेरे नबी फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला तक तशरीफ ले आया। और जब वो नूरे नबी, और हुजूर फरमाते हैं यही नूर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में छलांग लगा रहे थे, मेरा नूर भी आग के अंदर चला। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम सवार हुए थे, यही नूरे नबी था उस कश्ती को निजात देने वाला। रब्बे काबा की कसम है, अगर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तेरे मेरे नबी का नूर निजात दे सकता है, प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात दे सकता है, तो हम जैसे गुनाहगारों को भी ये निजात दे सकता है। हाँ, ये नूर सिर्फ, ये नूर प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ही नहीं, प्यारे नूह अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, बल्कि मेरे इमाम ने तो बड़ा कमाल कमाल जुमला इरशाद फरमा दिया,
میرے امام فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا ہوا پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا. میں ابھی تفسیر پڑھ کے آ رہا تھا تو کہتے ہیں عرب کی بڑی مالدار خاتون شریف خاندان کی, بڑی مالدار شریف خاندون پاک باز شرم و حیا والی, جس وقت پیارے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو ان پر فدا ہو گئی. کہنے لگی عبداللہ جتنا مرضی پیسہ چاہو ایک دفعہ میرے ساتھ رات گزار لو, میں قربان جاؤں. نیک اولاد کے ماں باپ بھی نیک ہی ہوتے ہیں اور ماں باپ کی شرافت اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہے. ماں باپ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے نانا میرے ماں نے میرے باپ نے مجھے ایسا سبق نہیں پڑھایا حرام زدگی کی جائے. نانا جہاں پر میرا باپ فیصلہ کرے گا مجھے وہی منظور ہے. حضرت عبد المطلب جو کہہ دیں گے میرے لیے وہ کافی ہے. میں ایسا رات نہیں, جب بہت زیادہ اصرار بڑھ گیا مکے کی تمام گھروں سے خواتین کے رشتے آنے لگے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا جاؤ عبداللہ ایسا کرو اس شہر سے کچھ دیر کے لیے شکار پہ چلے جاؤ تھوڑا سا سکون ہو جائے گا. شکار پر گئے, یہودیوں کو پتہ چل گیا بھائی نور نبی عام تو نور نہیں تھا نا, نور نبی ایسا تو نہیں ہے جہاں جن راستوں سے وہ گزرتا ہے جن جن گلیوں سے گزرا ہے جن جن نسلوں سے وہ گزرا ہے ان نسلوں کو وہ معطر کرتا ہوا چلا گیا. میرے امام فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ بسا دیے ہیں. وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نور ہو, ان کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور ہو, ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں ہو, اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ہو, وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی کے اندر ہو, جہاں جہاں سے بھی گزرا جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں. حضرت عبداللہ جنگل کے اندر گئے شکار کرنے کے لیے, یہودی بھی پہنچ گئے پیچھے, 70 یہودی آ گئے 70 یہودی, کیونکہ یہودی آج سے نہیں بابا شروع سے ہی بڑا سیانا ہے, بڑا پلاننگ کے ساتھ کام کرنے والا ہے. اس نے جب دیکھا حضرت عبداللہ کو جنگل کے اندر اکیلا پایا, حضرت عبد المطلب نے حضرت وہب, یہ وہب کون ہے؟ یہ تیرے میرے سونے نبی کی اما جان کے والد گرامی ہیں. حضرت وہب کو بھیجا ساتھ, ان کے ساتھ رہیے گا. وہ جب ساتھ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی حملہ آور ہو گئے تلواروں کے ساتھ. حضرت وہب کہنے لگے میں پریشان ہو گیا, 70 لوگوں کا مقابلہ میں اکیلا کیسے کروں گا. جیسے ہی یہودی تلواریں لے کر میرے نبی کے والد گرامی کے قریب ہوئے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو اتار دیا. فرمایا فرشتوں صرف میرے نبی کی نہیں میرے نبی کے والد کی بھی حفاظت کرو. 70 لوگوں کو وہیں پر اللہ کے فرشتوں نے تلواروں سے ڈھیر کر دیا.
ओ बाबा ये आम बात तो नहीं, ये नूरे नबूवत की बात, ये नूरे। हजरत बाप कहने लगे उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया अब जो मर्जी हो जाए अपनी बेटी का रिश्ता इसी को ही देना। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला जब वापस तशरीफ लाए, हजरत बाप कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बड़े लोग हो तुम लोग, खानदानी लोग हो, हम भी खानदानी लोग हैं यार, मेरी बेटी का निकाह करना है तो मेरे दिल की तमन्ना है, नहीं तो कम अज़ कम बंदी बना के रख लो यार, बंदी बना के रख लो यार इसको, मेरी बेटी का रिश्ता यार तुम कबूल करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मुझे ये बात बड़ी पसंद आई, मुझे यह बात बड़ी, मैंने कहा बंदा भी अच्छा है, शरीफ आदमी है, अच्छा घराना है, तो क्यों ना जाके मैं ऐसा करूँ एक दफ़ा मेरी बेटी को देख लो, आमिना को देख लो, पसंद आ जाए तो कबूल कर लेना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर वालों को भेजा जाओ जरा देख के आओ, अम्मा आमिना जान को देख के आओ, कुर्बान जाए कुर्बान जाए। सामी ने जमील एहतराम जब इनके घर वाले अम्मा आमिना के घर गए, वो घर के ऊपर भी अल्लाह ने अनवारो तजल्लियात की बारिशें फरमाई। जैसे ही घर में दाखिल हुए अम्मा जान का चेहरा देखा, रश्के कमर गैरते महताब, हया शर्मो हया की पैकरा सामने आई, चेहरे से नूर ऐसे बुलंद हो रहा, क्यों ना हो तेरे मेरे सोने नबी की अम्मा जान जो है, अम्मा जान है। घर वालों ने रिश्ता पसंद किया, नजरों के अंदर शर्मो हया है, तमाम शर्मो हया की पैकरा, हुस्न की पैकरा, आपने रिश्ते को कबूल फरमाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत बाब ने आपस में रिश्ता तय किया, मेरे जान मेरे कुर्बान जाए। जब निकाह शबे जफाफ आई तो फिर रब्बे करीम ने उस अंदाज को ही बदल दी, फरमाया तमाम के तमाम फरिश्तों आज जन्नतों को सजा दो, आसमानों को सजा दो, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो, बे औलादों के लिए नवीद सुना दो, हम आज तुम्हें औलाद के परवाने अता करेंगे। मशरिक के तमाम परिंदे मगरिब वालों को तमाम मुबारक बातें पेश कर रहे, फरिश्तों ने अर्ज किया मौला आज क्या खास दिन है, फरमाया आज मेरे महबूब का नूर अपनी माँ के बदन में आने वाला है। शामिल एहतराम ये कोई आम बात थी, ये रहमतों के ताजदार आ रहे थे, तमाम कायनात के गम गुसार आ रहे थे, तमाम कायनात को सजाने वाले आ रहे थे, तमाम यतीमों का मावा मंजा बन के आने वाले थे। अम्मा जी फरमाती हैं जिस तरह दिन गुजरते चले गए, जिस तरह महीने गुजरते चले गए, औरतें जानती हैं कि जिस तरह अय्याम आगे बढ़ते हैं तकलीफें और दुख बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाए अम्मा जी कहती हैं रब्बे काबा की कसम है मुझे एक दिन भी तकलीफ महसूस नहीं हुई, बल्कि हर महीने मुझे अल्लाह के नबी की ज्यारतें हो रही थी। अब चूँकि रहमत इलाहिया ने भी जोर पकड़ लिया है तो हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी मौका बना तो आगे मैं आपको सुनाऊंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको मुझे हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब करे। सलाम पढ़ी।